वेलकम टू स्टार अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब स्टडी चैनल, जिसमें कि हम डेली का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी ढंग से कर रहे होंगे। सो आज है 8 अक्टूबर 2022 और 8 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर के जितने ज़रूरी क्वेश्चन होंगे सभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो। सो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नोबल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो वो दिया गया आलिस बिलियात्से को मेमोरियल और सेंट्रल फॉर लिबर्टी, यानी कि एक आदमी को और दो संस्थाएं हैं जिनको क्या है ये नोबल शांति 2022 का पीस प्राइज़ यानी कि शांति का पुरस्कार दिया गया। इसमें ये आलिस बिलियात से, ये कहाँ से हैं? तो ये बेलारूस से। इन्होंने क्या तानाशाह के ख़िलाफ़ क्या कार्य किया और ये क्या ह्यूमन राइट्स की क्या एडवोकेट हैं, इनको क्या है? इसलिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। मेमोरियल ये रूस में और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये कहाँ से? यूक्रेन से। अगर इससे पहले बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो स्वयंते पाबो को। फिजिक्स के क्षेत्र में एलोन एस्पेक्ट, एंटन जिलिंगर और जॉन एफ क्लासर। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो किसे दिया गया? तो कैरोलिन बेट्रोजी, मॉर्टन मेलडेल और बैरी शार्पलेस को। और साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो एर्नी एर्नेक्स को। ये हम पिछले टाइम में क्या डिस्कस कर चुके हैं, सही देखते हैं नेक्स्ट। FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो वो चुना गया हरमनप्रीत सिंह को। ये हरमनप्रीत सिंह जिन्हें क्या FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया, तो चुना गया फेलिस अल्वरस को। यो कहाँ से? नीदरलैंड से। अगर बात करें FIH तो इसकी स्थापना 1924 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो लुजाने स्विट्ज़रलैंड में। अगर बात करें इससे पहले तो महिला राइजिंग प्लेयर किसे चुना गया? मुमताज़ खान को। और गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पी आर राजेश। और महिला किसे गोल कीपर चुना गया? तो वो चुना गया सविता पूनिया को, सही देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। और इसकी बैठक कहाँ पे होगी? तो नई दिल्ली में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो अंतर सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई? तो 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हरियाणा गुरुग्राम में। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 109 सदस्य हैं और इसके महानिदेशक अजय माथुर। अगर बात करें सौर ऊर्जा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसमें क्या सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा, सोलर ऊर्जा इसी में होती है, तो इसलिए इन्हीं का क्या है गठबंधन किया गया जान के सौर ऊर्जा के लिए। और ये इसका हेडक्वार्टर का गुरुग्राम में। और इसकी 5वीं सभा की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत, सही देखते हैं नेक्स्ट। नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? तो महिला बनी निकोल मान। ये निकोल मान जो अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी। अब अमेरिका यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें क्या एक रशियन, 2 जापान और 2 अमेरिका के नागरिक गए। और इसलिए इसमें क्या है ये अमेरिका मूल की महिला जाने वाली पहली कौन सी है? तो निकोल मान। सो अगर बात करें नासा, तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई, सही देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया? तो के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। ये ओलंपिक कब से कब तक? तो 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक होंगे। अगर बात करें छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। CF अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। और दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक इसमें छत्तीसगढ़ में शुरू है। कौशल्या मातृत्व योजना भी क्या है? छत्तीसगढ़ में शुरू। सो देखते हैं नेक्स्ट। बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए? तो वो चुने गए कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। ये है कैप्टन इब्राहिम त्रोरे जो कि बुर्किना फासो के क्या नए राष्ट्रपति चुने गए। अगर इससे बात कर पहले तो जियो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी।
और माली की सेना ने कर्नल अब्दुल माया को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विलियम रुतो ने कैने के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता और जेम्स मारे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने और बजराक बेगम ने अल्बानिया के राष्ट्रपति बने। सो ये देखते हैं नेक्स्ट। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया, तो वो कहे किशोर कुमार पालूदासू को, या किशोर कुमार पालूदासू, जिन्हें के SBI के जनरल एंड MD एंड CEO इंश्योरेंस के CEO नियुक्त किया गया। अगर बात करें इससे पहले तो कल ही हमने डिस्कस किया UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO मोहित भाटिया बने और संजीव किशोर के ने महानिदेशक आयुध के रूप में के पदभार ग्रहण किया और भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया और संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में क्या पदभार संभाला। सही, देखते हैं नेक्स्ट। टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता, वो कौन है, तो नोवाक जोकोविच या नोवाक जोकोविच, जिन्होंने क्या 2022 के तेल अवीव ओपन का खिताब जीता। अगर इससे पहले बात करें तो कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब योशिहितो नियोशोका जापान ने जीता और 2022 स्विस ओपन खिताब कैस्पर रूड ने जीता। 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने और सर्बिया ओपन टूर खिताब एंट्री रूबवेल जो कांस्य तो रूस ने जीता। सही, देखते हैं नेक्स्ट। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो है डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति एक भारतीय मूल के हैं और यही क्या है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी के रूप में क्या अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। सो ये देखते हैं नेक्स्ट। जापान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो गए CB जॉर्ज को, यह CB जॉर्ज जिन्हें क्या जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। ये कौन है, तो ये 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। अगर बात करें जापान तो कैप्टन टोक्यो और PM कौन है, तो फुमियो किशिदो। सो ये देखते हैं नेक्स्ट। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, युद्ध के यूनिक टैंक को, ये कौन है, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इन्हीं को क्या यह पुरस्कार दिया गया। सो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली डेली की करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।